خواتین و حضرات، چھ آزاد کشمیر غازی بٹالین کی پرچم پارٹی قومی پرچم لے کر ڈائس کی جانب پڑ رہی ہے. اس کی قیادت حوالدار محمد رمضان کر رہے ہیں.
साथ पूरी कौम को जश्न आजादी बहुत बहुत मुबारक। जी हाँ, और अभी कौमी तराना हम आवाज से आवाज मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर सुन रहे थे, देख रहे थे, पढ़ रहे थे। हम सभी को मालूम है कि अहमद गुलाम अली छागला की कॉम्पोजिशन, अबुल असर हफीज जालंधरी का ये कलाम, हमारी वजारत इतलात और नशरियात ने एक बहुत ही खूबसूरत यूनिक कदम उठाया कि इस कौमी तराने को री रिकॉर्ड किया गया है। इसके लिए बाकायदा एक खसूसी स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई और इसके बाद मुल्क भर से 155 खूबसूरत जबरदस्त आवाजों का चुनाव हुआ जिन्होंने कौमी तराना पढ़ा, कौमी तराना गाया। और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ मजाहिब से है, मुख्तलिफ इलाकों से है, मुख्तलिफ तबकात से है। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बतलाते चलें कि ये री रिकॉर्डिंग कौमी तराने की पहली बार की गई है। इस हवाले से वजारत इत्तलात और नशरियात और इस प्रोजेक्ट में जितने लोग भी शामिल रहे, हम दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद भी देते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं। आइए यौम आजादी की डायमंड जुबली की इस मरकजी तकरीब का बाकायदा आगाज अल्लाह के पाक और बाबरकत कलाम से करते हैं। कौमी अवार्ड याफ्ता और आलमी शोहरत के हामिल कारी सैयद सदाकत अली ये सादत हासिल करेंगे। तशरीफ लाएंगे कारी सैयद सदाकत अली हिलाले इम्तियाज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم। इरशाद रब्बानी है, और तुम सब अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में ना पड़ना, और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो। जो तुम एक दूसरे के दुश्मन थे
तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम आपस में भाई भाई हो गए और तुम दोजख की आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे, फिर उसने तुम्हें आग से बचा लिया। यूं अल्लाह अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम हिदायत पाओ। और तुम में से ऐसे लोगों की एक जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोकें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। वो आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह। अब सब ने सूरह आले इमरान की आयात समाप्त फरमाई और अब ख़वातीन हज़रात, कौमी अवार्ड याफ्ता नात खां मोहतरम नूर मोहम्मद जलाल अपनी ही लिखी हुई नात पेश करेंगे, जिसमें सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार तो है ही, लेकिन वतन से दिल से निकलती हुई वतन के लिए दुआ भी है। तशरीफ लाते हैं मोहतरम नूर मोहम्मद जलाल, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। हिसार शब में रहे दामन सहर में रहे, हिसार शब सहर में रहे, मगर जहां भी रहे आपकी नजर में रहे, कभी यहां से मदीना कभी वहां से यहां, मुसाफिरान मोहब्बत इसी सफर में रहे, मुसाफिरान मोहब्बत इसी सफर में रहे, ये आरजू है कि मेरे वतन का हर गोशा, ये आरजू है कि मेरे वतन का हर गोशा हुजूर आपकी रहमत भरी नजर शा, हुजूर आपकी रहमत भरी नजर में रहे, हुजूर आप रहमत भरी, हुजूर एक निगाह करम सुए कश्मीर, हुजूर एक निगाह करम सुए कश्मीर, न अब ये खुल्द हसीं गैर के असर में रहे,
ना अब ये खुल्दे हसी गैर के असर में रहे। और मेरी सिपाह को हर गाम पर मिले नुसरत, मेरी सिपाह को हर गाम पर मिले नुसरत, नवीद फतह हो जफर इसकी राह गुजर में रहे। नवीद फतह हो जफर इसकी राह गुजर में रहे। मुझे तो नूर इसके सिवा कुछ नहीं दरकार, नबी की नात मेरी उम्र मुख्तसर में रहे। मगर जहां भी रहे आपकी नजर में रहे। ख्वातीनो हजरात, पाकिस्तानी आवाम आजादी की नेमत से बाखूबी वाकिफ हैं और हम पाकिस्तान को तरक्की की उस सिमत पर ले जाना चाहते हैं जिसका ख्वाब हमारे आबाओ अजदाद ने देखा। मौजूद हाजरीन, नाजरीन और सामईन, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी इज्जत माब वजीर आजम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ को अब हम खिताब की दावत देंगे। इज्जत माब वजीर आजम इस्लामी जम्हूरिया पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम चेयरमैन सेनेट सादक सिंघानी साहब, मोहतरम स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब, काबिल एहतराम वज़राए कराम, अरकान पार्लियामेंट, डिप्लोमेट्स, मेंबर आर्म्ड एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, मेहमान ने ग्रामी खवातीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम सब अल्लाह ताला के हजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हम पाकिस्तान के क्याम के 75 साल पूरे होने की खुशियां मना रहे हैं। मैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करता हूं और पाकिस्तान की तरक्की और तामीर में उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूं। आज के दिन हम सब की अल्लाह ताला के हजूर ये दुआ है कि रब्बे जुल जलाल मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन के महसूर
मुसलमानों को भी जल्द से जल्द आजादी की नेमत नसीब अता फरमाए। ख्वातीन हजरात, हालिया बारिशों के नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बिलखसूस बलोचिस्तान में बहुत नुकसानात हुए। सैकड़ों लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और कई बच्चे और बच्चियां अपने माँ बाप से हमेशा के लिए बिछड़ गए। अल्लाह ताला उन सबको अपनी कमाल मेहरबानी से जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामला अता फरमाए। मौजूद हाजरीन कराम, क्या में पाकिस्तान की वलवल अंगेज दास्तान हमारे लिए एक सबक है कि जब कौमें अपने लिए एक इज्तमाई नस्ब लैन तय कर लेती हैं तो मुश्किलात के पहाड़ भी उनका रास्ता नहीं रोक सकते और समंदर भी रुकावट नहीं बन सकते। शार मशरक हजरत अलामा इकबाल की फिक्र से मुसलमानों के अलग वतन की जो रोशनी फूटी थी, इसके बारे में मुखालफीन मायूसियां फैलाते थे कि पाकिस्तान कभी कायम नहीं हो सकता, लेकिन मशाहिर पाकिस्तान की अजमत को सलाम है जिनके आहनी अजम और पुख्ता इरादे ने मायूसियों को पाश पाश कर दिया और आज हम एक आजाद खुद मुख्तार इस्लामी जमहूरी मुल्क की फजाओं में सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाजरीन कराम, बड़े सगीर के मुसलमानों ने बरसा बरस साम्राज्य के जबर का बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला किया। उनके हौसले पस्त नहीं हुए, उन्होंने खून के दरिया अबूर किए, शहादतें दी, तारीख की सबसे बड़ी हिजरत के गम सहे, अपनों को खो दिया, लेकिन अपना मकसद हासिल करने में कामयाब रहे। ये उन अजीम कुर्बानियों का इनाम था कि अल्लाह ताला ने हमें एक नजरियाती मुल्क अता किया और साम्राज्य की गुलामी से निजात दिलाई। हम शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं, इनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करते हैं, उन माओ बहनों बेटियों को सलाम पेश करते हैं जो तकसीम हिंद के खूनी दौर की नजर हो गई। वतन अजीज के क्याम के जदोजहद में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि अकलीतों ने भी भरपूर हिस्सा डाला, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जना ने फरमाया था कि आप सब अपने मजहब की अदायगी में पूरी तरह आजाद हैं, मतलब यह था कि मुस्लिम अक्सरियत वाले इस मुल्क में आईन जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी होगी और इन्हीं रहनुमा असूलों के तहत हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज के दिन पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की खिदमात के इतराफ का भी दिन है। जनाब अब्दुल सतार ईदी मरहूम, डॉक्टर रुत फाओ जैसी इंसान दोस्त तमाम शख्सियात की खिदमत को हम सलाम पेश करते हैं। ज़राए बलाग दानिश्वरों और तमाम अहले कलम के किरदार का तस्करा किए बगैर पाकिस्तान की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। हाजरीन मोहतरम, वतन अजीज एक मुकद्दस अमानत और मिशन है। इसका एक मरहला क़याम पाकिस्तान की शक्ल में मुकम्मल हो चुका, लेकिन दूसरा मरहला हनूज नामुकम्मल है। एक मिशन
हमारे इस्लाफ ने बेमिसाल जदोजहद से पूरा किया, लेकिन दूसरा मिशन हमने पूरा करना है। ये मिशन उन मकासद को अमली ताबीर देने का है जो क्यामे पाकिस्तान की असल बुनियाद हैं और जिनका जिक्र 23 मार्च 1940 को मंजूर होने वाली तारीखी करारदादे पाकिस्तान में मौजूद है। मौजिज ख्वातीन हजरात, तकसीम के वक्त जिस वतन जीस को इसके जायज वसाइल से भी महरूम कर दिया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया की महज़ब अकवाम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है, सनत और हरफत और मईशत में तरक्की कर रहा है, तालीम और सेहत के शोबों में ज़हीन और काबिल तरीन अफराद पैदा कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली जौहरी कुव्वत है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस प्रोग्राम का आगाज किया और मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसकी तकमील की। इस प्रोग्राम से वाबस्ता तमाम शख्सियात और इदारे पाकिस्तान के मोहसिन हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की आलमी अमन की कोशिशों में हमारा नुमाया किरदार है। खेल के मैदान में हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया है। ऐसा नहीं कि हमने तरक्की नहीं की, अलबत्ता यह हकीकत अपनी जगह मौजूद है कि जिस तसलसल तवज्जो और रफ्तार से हमें अपनी मंजिल को हासिल करना था, इसमें हमसे इज्तिमाई कोताहियां हुई हैं। यही वो मिशन है जो आज हमारे सामने है और जिसे हमने पूरा करना है। बहसीत कौम आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की जरूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाजह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलसाना जद्दोजहद का आगाज हो, जिसका नुक्ता आगाज मिसाके मईशत बन सकता है। अजीज अहले वतन, अपने बुजुर्गों की तरह हमने पाकिस्तान को दुनिया की माशी कुव्वत बनाने का अहद किया है। हमें दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल होने का कौमी हदफ मुकर्रर करना होगा। यही मुस्तकबिल की राह है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते? इसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा, दुनिया पर यह साबित करना होगा कि पाकिस्तान सलाहियत, जज्बे और तख्लीकी कुव्वतों में दुनिया की किसी कौम से कम नहीं। ख्वातीन हजरात, ये आज़ादी बड़ी कुर्बानियों से हासिल हुई है। इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। मायूसियां फैलाने वालों की फिर हार होगी। हम सब मिलकर पाकिस्तान को माशी तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करेंगे। बहादुर मुसल्ला अफाद के साथ मिलकर दुश्मनों के अजायम खाक में मिला देंगे। मेरे नौजवानों, आप हमारा मुस्तकबिल और कीमती असासा हैं। आपने इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। आपको मवाके और वसाइल की फराहमी हमारी जिम्मेदारी है। आप माजी में भी हमारी तरजीहात का मरकज रहे हैं और आज भी हमारी तरजीहात का मरकज आप हैं। हजरत कायद आजम की जिंदगी और सियासी जदोजहद गवाह है कि आपने हमेशा नौजवानों को ईमान इत्तेहाद, नज्म जब्त और तालीम के मुसलसल हसूल पर तोजो मरकूस रखने की बार बार तलकीन फरमाई। आज नौजवानों समेत हम सबको इसी सबक पर अमल करने की जरूरत है। आज के इस तारीखी दिन पर मैं अपने बच्चों, अपने नौजवानों से दिल की बात कहना चाहता हूं।
کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے جدید ممالک کی طرح ترقی کرے، کشکول اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں، یہاں بھی معاشی ترقی اور سماجی انصاف ہو، ہم دنیا میں کھویا ہوا اپنا اصل مقام حاصل کریں، تو آئیں پاکستان کی تقدیر سنوارنے کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، امانت اور دیانت اور دن رات کی مخلصانہ محنت کو شعار بنا کر اپنے مشن کو کامیاب بنائیں۔ عزیز اہل وطن، مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے، جس میں ملک بھر کی مختلف ثقافتوں، رنگ و نسل اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، سٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ خوشی کی اس گھڑی میں آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے، جنہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں پرچم کشائی کی تقریب تھی۔ اس تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے آج سے 75 سال قبل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انہوں نے حالیہ بارشوں سے سینکڑوں لوگ جو اللہ کو پیارے ہوئے ان کے لیے بھی دعا عطا فرمائی۔ وزیر اعظم نے کہا سیلاب سے کئی بچے بچیاں سیلاب کی نظر ہو گئے، حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں خصوصاً بلوچستان میں بہت زیادہ نقصان پہنچا، اور انہوں نے مزید کہا کہ دعا ہے مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کو بھی جلد از جلد آزادی ملے۔ پاکستان کا قیام کسی معجزے سے کم نہیں تھا، قیام پاکستان کی ولولہ انگیز داستان ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مشاہدہ پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خون کے دریا عبور کیے، شہادتیں